नेजी को मैं चाहती हूँ वो एज अ विनर बने। मैं हारा, मैं जीता हूँ। मेरे हिसाब से उनसे कहीं ज्यादा डिजर्विंग लोग थे जीतने के लिए। ऑल द बेस्ट टू हर एंड कांग्रेचुलेशंस। अच्छा लग रहा है, एक लड़की जीती है। नेजी भाई के लिए क्या बोलना चाहोगे? नेजी के लिए तीनों पे राज कर रहा है। आई थिंक डे वन से मेरा फोकस बहुत ही क्लियर था। लोगों ने बहुत चीज़ें बोली, घर वालों ने स्पेशली, एंड आई थिंक मैं बहुत ही फोकस थी और मैं बहुत ही डिटरमिन थी कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। एंड आई थिंक डिटरमिनेशन इज योर की। एक एपिसोड में मुनव्वर आए थे और मुनव्वर ने मुझसे पूछा था कि सना टॉप थ्री में तुम किसको देखती हो, तो मैं अगर जर्नी इवैल्यूएट करूँ तो मैंने रणवीर जी का नाम लिया था, मैंने नेजी का नाम लिया था और थर्ड मैंने अपना नाम लिया था। और मैंने कहा था कि नेजी को मैं चाहती हूँ वो एज अ विनर बने, क्योंकि वो लड़का दिल से बहुत साफ़ है, बहुत नेक है, उसने कभी किसी की बुराई, यू नो, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। एंड रही बात मेरा और नेजी का एक रिलेशनशिप, मेरे लिए वो बंदा बहुत स्पेशल है। सो मैं एक चीज़ जरूर, नेजी के बारे में आई एम रियली सॉरी, बट नेजी का दिल बहुत साफ है, दिल का सच्चा है, और ये हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि जो दिल से सच्चे होते हैं ना वो डिज़र्व करते हैं। तो अगर आप मेरी भी बात करो, मैं भी, लोगों ने मुझे बहुत बोला, सेल्फिश बोला, मीन बोला, अपॉर्चुनिस्ट बोला, एरोगेंट बोला, बट मेरे लिए मेरा डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रेट था, मेरा फोकस बहुत स्ट्रेट था, और मैं रियल लाइफ में ऐसी हूँ। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना गेम में ना जनरली, मैंने हमेशा लोगों के लिए अच्छा ही बोला। अगर जो मुझे गलत लगे है मैंने उनके लिए गलत बोला है, जो सही लगे मैंने उनके लिए सही भी बोला है। हालांकि मैं साई केतन को कभी पसंद नहीं करती, बट अगर वो अपनी ड्यूटीज़ उसने बराबर किए तो आई हैव अप्रिशिएटेड हिम ऑल्सो, दो आई डोंट लाइक हिम, बट आई हैव अप्रिशिएटेड हिम ऑल्सो। सो आई थिंक वेल, आई थिंक उन सबको मुंह में चुप्पी मिल गई होगी, क्योंकि जो काना था वो तो ट्रॉफी लेके निकल ही गया। भाई सना जीती है इसका मतलब मैं जीता होगा, अपनी भमाए जीती है, अपनी भमाए। मैं यही कहना चाहूंगा कि हार मत मानो, ऐसा मत समझो कि मैं हारा, मैं जीता हूँ, मैं तुम्हारी नजरों में जीता हूँ, मैंने लोगों का दिल जीता है, तो सब खुश रहो और अभी असली सफर तो अभी शुरू होने वाला है। चलो इसका आंसर आप बताओ, आप बताओ, जीतते ना बस तो फिर वहीं पे सिस्टम हैंग हो जाता। आपको लगता होगा यार ऐसा कि जानी जा रही है कहीं ना कहीं लवकेश कटारिया जो एक नाम है, मैंने खुद ही पहली बार इतना देखा है कि हाँ भाई आप अपनी ट्रू आइडेंटिटी की, हाँ लवकेश कटारिया कौन, ये दिखा के आए हो, अच्छा बुरा जो आपने बोला वो आपने खुद के लिए बोला, तो कहीं ना कहीं जनता में क्लियर तो हुआ है। मैंने उनको भी वही बात बोली कि आपको पता है इस चीज़ का आंसर अच्छे से, और इन सारे भाइयों को पता होगा कि ऑडियंस के बेसिस पे होता तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली हम पे है तो है ना भाई, जनता प्यार करती है तो करती है, तो ऑब्वियसली भाई नहीं बोलेंगे यार, वो समझते हैं मुझे।
मैंने वो अपने व्लॉग में क्लियर कर दिया, अगर नहीं देखा तो आप देखाना यार। मेरे को ना, मैं शो की रिस्पेक्ट के लिए आया हूँ, शो ने मुझे इतना कुछ सिखाया, इतनी मेमोरीज बनवाई, तो ऑब्वियसली शो की रिस्पेक्ट थोड़ी मैं ख़राब कर दूंगा कि चलो कोई बात नहीं, वो मेकर्स का फैसला है, जो भी हो, जनता का जो भी लगता हो, बट ऑब्वियसली मुझे आना चाहिए था फिनाले पे। जी ऑब्वियसली खेल गए यार। और फेयर एंड फेयर वाली तो बात मैं जब भी समझ गया था, जब अंदर के जब वो कह रहे थे कि आज घर वाले डिसाइड करेंगे कि कौन बाहर जाएगा, तो ऑब्वियसली 4 वोट मिलने थे मुझे यार। आपको लगता है इससे बिग बॉस की क्रेडिबिलिटी खराब हो जाएगी? देखो बिल्कुल थी, सबका एक अलग अलग तरीका होता है गेम खेलने का। मैंने बहुत ही सेफ प्ले बोला, क्योंकि देखो जो इंसान वहाँ पे आपको पसंद नहीं है तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उसे नॉमिनेट कर सकते हो। उस घर से नॉमिनेशन हर हफ्ते होती है और यहाँ पे तो हफ्ते में 2 बार होती थी, तो मेरे को नॉमिनेशन से मैं बचती थी क्योंकि लोग मुझे नॉमिनेट इसलिए नहीं करते थे, क्या पता मैंने उनके दिल में जगह बनाई हो और घर में मैं अच्छा कर रही हूँ तभी लोग मुझे नॉमिनेट नहीं करते थे, और नॉमिनेट नहीं हुई तो इसलिए मैं आउट नहीं हुई, इसलिए मैं टॉप 5 में पहुँची। क्या सर, सना ट्रॉफी जीतने के बारे में मैं यही कहूँगा कि बिग बॉस का और जो जनता ने जो वोटिंग हुई है उसको मैं सर आँखों पर मानता हूँ। हालांकि मेरे हिसाब से उनसे कहीं ज़्यादा डिजर्विंग लोग थे जीतने के लिए। सर, बिग बॉस एक रियलिटी गेम है, पर कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं इस बार बिग बॉस ने एक रियलिटी गेम खुद से खेल दिया, क्योंकि जैसे जिस तरह से लोकेश अरमान मलिक जैसे लोगों घर वालों के वजह से बाहर गए, ना कि वोटों के दौरान, काफ़ी लोगों का कहना है ये अनफेयर है, इस पर आपका क्या? बिल्कुल अनफेयर नहीं है। आई थिंक जो सिर्फ अगर सोशल मीडिया फॉलोइंग के बेसिस पे लोग अगर शो में रहेंगे, फिर तो इससे अच्छा है कि जिसकी सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया फॉलोइंग है उसको सीधा ट्रॉफी दे दो। जी मैं था, अरमान था, और भी लोग थे। यार उस मतलब मैसेज का क्या, जो जीत जो अच्छा उस घर में जो अच्छा कर रहा है वो जीतना चाहिए, उसमें मतलब मुझे समझ में नहीं आया आपका सवाल। ऑल द बेस्ट टू हर एंड कांग्रेचुलेशंस। मैंने ऑलरेडी बोल दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन। सना सुल्तान या सना सुल्तान, वेरी वंडरफुल फ्रेंड, बहुत अच्छी शायरियाँ बोलती है, लेकिन मैं उससे कभी आला सुनना नहीं चाहूँगा। जीत गया, क्या कहना चाहते फाइनल? अच्छा लग रहा है, एक लड़की जीती है। और नेजी भाई के लिए, नेजी भाई के लिए, नेजी भाई भी बहुत अच्छा खेले हैं, अच्छा है, मेरी टीम से थे, उनके लिए भी अच्छा। चंद्रिका जी, कल सना जी जीत गई। यस, कल पावर। नेजी भाई के लिए क्या बोलना चाहोगे? नेजी के लिए दिलों पे राज कर रहा है। अरे क्या बात है, जीते अपन ने भाई, मत बहुत मेहनत की है तुम लोग, बहुत मेहनत की है सिराज, टेंशन नहीं, टेंशन नहीं, ये शुरुआत है, ये शुरुआत है अभी भाई, जीत गए बाजीगर बोलते बराबर, बहुत मेहनत किया भाई सिराज, सिराज के लिए भाई, सिराज के लिए आवाज करो क्या सब लोग, कोई नहीं, कोई नहीं, होता है, यहाँ तक आए ना, कोई बात नहीं, दिल जीते, लोगों के दिल में जगह बनाए, तुम लोग 100% दी अपना, मैं देखा, जी जान लगा दिया, चिराग ने भी और भी जितने भी लोग थे, सेल बड्डी की पूरी टीम और पूरा कुल्ला 70 के सब पब्लिक, कुल्ला 70 पूरा जी जान लगा दिया तुम लोग, देखा मैं, अच्छा लगा, कोई मसला नहीं है, मिलने आए अपन अपने भाई को, लेने आए भाई, ट्रॉफी से कम है क्या भाई, तुम लोग अपना 100% दिए, ऐसा नहीं, ये मत सोचो कि कहीं ना कहीं कमी, कुछ कमी नहीं थी, सब जन ने अपना 100% दिए, मगर जो होता है ये सोचने का, अल्लाह की मर्जी से हुआ है, आगे अपन बेस्ट करेंगे लाइफ में, बस खत्म भाई, वो ऐसे भी अपने नजर में तो जीत गए ना, तुम्हारी मेहनत थी, उनकी मेहनत थी, लोगों के दिल में जगह सबसे ज्यादा कौन बनाया पूरे बिग बॉस में, नेजी दाबा सबसे रियल कौन, चर्चे किसकी हो रहे हैं, तो फिर सवाल ही नहीं, बस ये मैटर करता है ना जी, बाकी के लोग यहाँ पे कुल्ला 70 वाले लोग जो जानते थे जो नेजी को, और जो अंदर जो नेजी था वो बहुत ही अलग था, कोई मसला नहीं है, दिल जीता है नेजी ने लोगों का, वो ज्यादा मैटर करता है, भाई अंदर बॉन्डिंग भी दोनों की बहुत सही चल रही थी, सब बोल रहे थे कि जोड़ी भी निकल के बाहर, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे भाई, ये भाई ऑलवेज चलो वहाँ।
मैम प्लीज प्लीज मैम थोड़ा देर रुकिए ना, हम लोग आपका वेट कर रहे थे, आप भाई रुक जा भाई, ड्राइवर हाथ मत खींचना, भाई पैर रख दिया मैंने, हिलाना नहीं गाड़ी भाई, हिलाओ मत, हिलाओ पैर रख दिया भाई, दो मिनट अरे रुक जा भाई यार, किसी को तो विनर बनना ही था, और देखो बिग बॉस है, यहाँ की टीम है, जो करके अच्छा किया तो ये बोलूंगा, और बताओ आपको कैसे, बस बढ़िया भाई, गेम देखी मेरी भाई, आपके नजर में कौन विनर था भाई? देखो मेरी नजर में रणवीर भाई थे, उसके बाद जनता की नजर में जो विनर है वो विनर, उसके बाद अपनी नजर में क्या होता ना वो नहीं चलता यार, रणवीर भाई की नजर में मैं था, मेरी नजर में